हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द पार्टनरशिप अकाउंट, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो इसके जो रिटर्न नोट्स है वो भी आपको मेरी ऐप के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे, एक्सम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 7:5:3 है। एक्स रिटायर हो जाता है, इट इज डिसाइडेड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वाई एंड जेड विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कैलकुलेट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द वाई एंड जेड एंड द गेनिंग रेशियो। तो हमें पता है कि एक्स एंड वाई का जो रेशियो था 7:5 था, तो इट मीन्स के वाई और जेड का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 7:5। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, एंड द सेकेंड पार्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो था वो था, यहाँ पे हम देखते हैं ये जो है वाई का जो पहले जो शेयर था डेट वॉज 5:15। वो कैसे आया, क्योंकि एक्स वाई जेड का शेयर था 7:5:3, तो टोटल कर लिया 15, और वाई का शेयर वहां पे 5 है, तो इट मीन्स 5:15 जो है उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो है, और जो न्यू रेशियो है वो है 7:12। तो यहाँ पे जब हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू शेयर, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हमने 5:15 माइनस 7:12 किया तो हमने एलसीएम ले लिया 60, तो यहाँ पे आ जाता है 20 माइनस 35, तो ये आ जाता है -15/60। तो इसका मतलब है न्यू शेयर जो है पुराने शेयर से ज्यादा है, तो इट मीन्स के जो वाई है उसने -15/60 से गेन किया है। उसी तरह हम कैलकुलेट करते हैं जेड का जो है, जेड का गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे जेड्स गेनिंग रेशियो तो वहां पे आ जाता है, क्योंकि उसका जो पहले रेशियो था वो था 3:15, अब का जो रेशियो है वो है 5:12, तो ये आ जाता है -13/16। तो न्यू शेयर जो है पुराने शेयर से ज्यादा है, तो इट मींस उसने गेन किया है 13/16। तो यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो है वाई एंड जेड दैट इज 15:13, सो दिस इज द आंसर। एंड दी सेकेंड एमसीक्यू है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। बी जो है फर्म से रिटायर हो जाता है, उसका कैपिटल अकाउंट जो है, ए का कैपिटल अकाउंट 50,000 है, बी का 50,000 है, सी का 25,000 है, जनरल रिजर्व उस दिन 15,000 था रिटायरमेंट की डेट पे, और गुडविल ऑफ द फर्म की जो वैल्यूएशन की गई थी वो थी 30,000, और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 7,050 था। तो अब हमने बताना है कि हमने कितना अमाउंट जो है बी को देना है और कितना अमाउंट उसके लोन अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, तो पहले हम देखते हैं कि पहले देखो यहाँ पे मैंने सेपरेटली निकाला है, तो जनरल रिजर्व के अंदर उसका शेयर कितना है, तो यहाँ पे बी का शेयर जो है 2:5 है, 15,000 × 2/5 ये 6,000 आ जाता है, और उसी तरह जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 7,050 × 2/5 तो ये आ जाता है 2,820। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टोटल जो है ये 60 + 2,820 जो है ये आ जाता है 8,820। उसी तरह हम देखते हैं कि जो गुडविल की वैल्यूएशन की गई थी वो थी 30,000, तो बी का शेयर इन गुडविल आ जाता है 30,000 × 2/5 तो ये आ जाता है 12,000। तो टोटल अमाउंट हमने जो बी को देना है डेट इज 20,820, मतलब जो जनरल रिजर्व के अंदर से है, रिवैल्यूएशन के अंदर से है, गुडविल के शेयर के, और जो कैपिटल हमने देनी है वो है 50,000। तो टोटल अमाउंट जो ड्यू है 50,000 + 20,820 तो ये आ जाता है 70,820। तो ये टोटल अमाउंट जो हमने बी को देना है ये उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, तो राइट ऑप्शन जो है डेट इज द सेकेंड।